इज आर्टिकल. व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल्स में वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में सेंस बनाते हैं, किसी मतलब थिंग किसी पर्सन के नेम, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए. कोई भी चीज है, कोई भी नाउन है, नाउन के साथ लगते हैं हमेशा ही किसी और चीज के साथ. आर्टिकल किसके साथ लगते हैं? नाउन. नाउन के साथ. तो कोई भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए कि वो नाउन कौन सा नाउन है, कैसा नाउन है, क्या है, कितना है, ठीक है, वहां पर हम ए एन एंड द यूज करते हैं. ए एन एंड द ओनली तीन होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स. दीज आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. एंड देन हियर द इट इज नो एज डेफिनेट आर्टिकल. यस, व्हाट डू मीन बाय डेफिनेट एंड इनडेफिनेट? एनीबॉडी? यस मैम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट? कैन एनीबॉडी वांट टू टेल? शोवे मैम. Yes, Shiva. What is definite and what is indefinite? Indefinite is हम मतलब कोई चीज़ है तो उसको वो बताते हैं कि consonant से है या फिर vowel से है. बेटा पहले हम literal meaning पे जाएंगे. Definite means definite, कुछ विशेष particular जो fixed है. Definite is fixed. ठीक है, वो fixed है. Indefinite जो fixed नहीं है. जैसे for example कोई भी एक noun पकड़ लो, पेंसिल, ठीक है, या चौक. चौक कोई भी हो सकती है, कोई भी चौक हो सकती है. स्पेशल चौक तो नहीं है, नहीं है, कोई भी चौक. तो दिस इज अ चौक, दिस इज अ चौक, ठीक है. लेकिन कोई पर्टिकुलर है, हिमालय. हिमालय माउंटेन तो एक ही है ना पूरी दुनिया में. yes. वो तो स्पेशल है, तो वहां पर वो डेफिनेट है, वो फिक्स्ड है कि वही एक है, वही एक पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर विशेष फिक्स्ड, ठीक है. दैट मींस वो डेफिनेट हो गया. वहां पर हम द लिखेंगे. स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक, राइट. डेफिनेट इज स्पेसिफिक, इनडेफिनेट इज व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक. गॉट इट? समझ में आया? ये कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड है जो पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं है. अ चौक, a bag, a table, a chair, a window, a class, a door, a boy, a girl, a blanket. ठीक है, अब मैं बोलूं chair, a chair, brown chair. कौन सी वाली? कुछ पर्टिकुलर हो गई ना. तीन चार चेयर्स पड़ी है वहां पे अलग अलग कलर्स की, तो उसमें से मैं एक पर्टिकुलर बोलूं कि ब्राउन चेयर, तो वहां पे क्या लगाएंगे बेटे? द, राइट. जब कोई एक पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है कि उन सब में से वो एक जो हम स्पेसिफिक बता रहे हैं, जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट विल, वहां पर हम यूज करेंगे द, विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल. हाँ, बाकी सारे लेटर्स जो आ जाते हैं वो हम कॉन्सोनेंट के तौर पे कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कंपनी की है, क्या है चेयर में, कैसा कलर है, तो मतलब हम जानते नहीं कि चेयर कैसी है, कलर मतलब उसका कोई है नहीं, कोई कंपनी की नहीं है, तो हम उसको ए यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है. तो फिर इसके और भी यूज होते हैं, जैसे कि कोई चीज है वो कितनी है, जैसे कि आई हैव अ टॉय. मेरे पास एक टॉय है, तो इस ए का मतलब एक हो जाता है. और फिर अब आ जाता है एन, तो फिर एन हम लेते हैं किसी वोवल के साउंड, जिससे मतलब शुरुआती में वोवल साउंड आए, जैसे कि ए, आई, ओ, यू, ये तीन वोवल, ये पांच वोवल्स है,
पार्टीज हैं जैसे कि दी बीजेपी, दी कांग्रेस, उनके साथ भी आ जाता है ये। Yes, ma'am. ये नहीं आए कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए ओके ना। और कोई न्यूज़पेपर का नेम है जैसे कि आजकल दैनिक भास्कर बहुत फेमस है तो दी दैनिक भास्कर हम लगा सकते हैं। क्या है वॉवल है
ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ा बी ए, हम बोले बी ए, बी एस, बी एस अ बी ए, यहाँ पर डी ए जो है बी, यहाँ पे तो कौन सी साउंड आ रही है, बी ब की आ रही है, डी की आ रही है, तो वहां पर हम एन नहीं लगाएंगे और लेकिन अगर एम ए बोला एम एम एन एन लगाएंगे तो क्या बन गया एम एम, तो ए की साउंड आ गई ना, तो यहाँ पर एम आया समझ में? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। आगे आ जाओ, अब बात आ रही है द की। अब द का यूज जो है, एक तो नेचर मेड थिंग्स यानी जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर एक ही, फॉर एग्जाम्पल द सन, सन एक ही है, मून, द स्टार्स, स्टार्स भी एक, मतलब वैसे बहुत सारे स्टार्स हैं लेकिन स्टार्स तो एक ही है, ठीक है, स्टार्स, ठीक है, और द हिमालय, इंडिया, ठीक है, अच्छा नेचर में थिंग्स की सारी रिवर्स जो जितने भी रिवर्स के नेम आएंगे वहां पे द आ जाएगा, द रिवर, ठीक है, द माउंटेन्स, अ माउंटेन नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद किसी भी रिवर का नाम या किसी भी माउंटेन का नाम, उन सब के नाम के साथ में, वैसे नाम के साथ में कभी द नहीं आता है, लेकिन जो स्पेसिफिक थिंग्स है उनके नेम के आगे हम द, जो पॉपुलर थिंग्स है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन्स नेम, यानी पर्सन्स नेम वैसे नाम के आगे द पिंटू कभी नहीं होगा, लेकिन महात्मा गांधी के आगे, क्योंकि उनके आगे महात्मा लगा है, तो वी कैन राइट द, द महात्मा गांधी, गॉट इट, किसी के आगे कोई स्पेसिफिक टाइटल लगा हुआ है, किसी नाम के आगे कोई स्पेसिफिक अगर टाइटल लगा हुआ है, तो देन वी कैन यूज द, अदरवाइज वी डोंट यूज द विद अ नेम, गॉट इट, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफ कोर्स बीजेपी कांग्रेस, वहां पे हम द लगाते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द लगाते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदी, इस तरह की जितनी भी पॉपुलर चीजें हैं मैम प्लीज नाम के आगे हम लगाते हैं बेटे द, ठीक है, गॉट इट, इसके अलावा कोई भी एक चीज के बारे में जो हमने पहले बात कर ली, अगर हम दोबारा उसी चीज के बारे में बात करें तो देन वी यूज द, फर्स्ट टाइम हम अ लगाएंगे अ या एन, उसके बाद उसी चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो हम उसको यूज करेंगे द, नॉट अ, बार बार अ अ नहीं लगाएंगे, हम एक बार अ लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे द, दिस इज अ चेयर, द चेयर इज ब्राउन इन कलर, द चेयर इज बिग, वी कैन सिट इन द चेयर, आया समझ में? यस मैम। इसी पर्टिकुलर चेयर की बात करें इसलिए हम इसमें द लगाएंगे ना कि अ लगाएंगे, फर्स्ट टाइम कोई भी है, कोई में से एक है तो वहां पे हम अ लगाएंगे, आया समझ में? यस। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स, बस आर्टिकल्स इतना ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तीन ही चीजें हैं, बहुत इजी है, समझ में आया सबको? यस। एनी डाउट? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट है? कोई बात नहीं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप दोबारा जब घर जाके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा।